हाय गाइस, नेक्स्ट ट्यूटोरियल है ज्वाइन मेथड पर ही। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया हुआ, देखिए कि मैंने इसमें सिर्फ एक ही थ्रेड रखा हुआ है, हमारा मेन थ्रेड ही है और कोई भी थ्रेड नहीं। बस हमारा कोड बस इतना ही छोटा सा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। माय थ्रेड मैंने हटा दिया अभी फिलहाल के लिए। इसमें हम लोग क्या करने वाले, यहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ एक मेन थ्रेड है जो रन कर रहा है। ठीक है, सो मेन थ्रेड का रेफरेंस अगर हमें चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड अगर हम लोग लिखे ये मेथड तो हमें उसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो उस रेफरेंस पे मैंने लगाया हुआ है ज्वाइन, यानी कि मेन थ्रेड खुद का वेट कर रहा, मेन थ्रेड खुद के एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, देखिए कि जब आप अब खुद का वेट करने लगते हैं तो अगर आप रन करें इस कोड को तो ये भी डेड लॉक का सिचुएशन क्रिएट करेगा। ये भी आपको कोई भी आउटपुट नहीं देगा, बिकॉज ये खुद का वेट कर रहा है कि खुद मैं कंप्लीट करूंगा तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा। मतलब एक अजीब सा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है अपने लिए। ठीक है, सो गाइज, अगर आप इस तरीके से एक थ्रेड के अंदर, मतलब उसी थ्रेड को अगर आप वेट में रखते हैं, जो मेथड का यूज करते हैं, तो आपको डेडलॉक फेस करना पड़ेगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।